इसने जो है उससे भी ज्यादा मजा लिया, जो स्पाइसी है ना, स्पाइसी से ज्यादा स्पाइसी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं टेस्ट विद सरफराज। आज मैं आपको एक ऐसी चीज खिलाने जा रहा हूँ जिसे पाकिस्तान में गोलगप्पे कहा जाता है और इंडिया में पानी पूरी। और मैं ये भी बता दूं आपको, इसकी इजाद जहाँ हुई है वो हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान है। तो आइए चलते हैं आज गोलगप्पे खाने। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या रहे तभी ठीक है। अच्छा, कौन कौन से गोलगप्पे आपके पास पड़े हैं भाई? खट्टे भी होते हैं, नमकीन होते हैं और स्पाइसी होते हैं। अच्छा, हमें आप ना 6 जो है स्पाइसी भी बना दें और 6 जो है मीठे बना दें। आपके कौन कौन से बनाने? 6 आप मीठे बना दें, 6 स्पाइसी बना दें। आलू चने मिक्स है इसके साथ, धनिया है 2 इसके अंदर, धनिया फ्रेश डालते ये मसाले आ गए। धनिया आपको देख रहे हैं कलर के अंदर कैसा होगा, मीठे हैं। जी जी, ये हमारी आलू बुखारे की चटनी है, गुड़ इमली आलू बुखारे की, 6 मीठे। ये आलू बुखारे की चटनी? जी जी, ये आलू बुखारे की चटनी आ गई। और ये किस चीज़ की है? ये दही है आपका, ये दही आ गया। ठीक है, और ये आ गया भाई पानी, पानी खट्टा पानी, खट्टा पानी। इसके बगैर तो मजा नहीं, इसके बगैर मजा नहीं है। ये जब तक साथ नहीं है गोलगप्पे के मजा नहीं है। बस सही पाली है, और आप देख सकते हैं साथ ही रोड चलता हुआ रोड है, और ये साथ ग्रीनरी भी है, और इधर पीछे हॉस्पिटल पार्क वगैरह भी। ये देखें, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं ये मीठी जो है आलू बखारे वाली और चटनी है, ये आ गया, और दूसरा हमारा स्पाइसी। बिल्कुल सिंपल है, इसके अंदर क्या डाला हुआ है, चने, आलू है, पुदीना है और मसाला है। तो अभी सबसे पहले हम ये जो स्पाइसी बनाई है वो चेक करके बताएंगे। आए हाय यार, ये देख रहे हो ना, ये पानी आ रहा होगा आपके मुंह में भी। बिल्कुल जो है ना फ्रेश फ्रेश बनाया हुआ है इन्होंने, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं डाली हुई, सिंपल है और बहुत माशाल्लाह अच्छा था ये। अब जो है ना मीठा वाला जो है ना वो हम ट्राई करते हैं, ये मीठे वाला देखें आप। इसने जो है उससे भी ज्यादा मजा लिया, जो स्पाइसी है ना, स्पाइसी से ज्यादा स्पाइसी तो ज्यादा लड़कियां खाती हैं, हमें तो वैसे ही ये चीजें मिक्स जो है मीठी नमकीन मिक्स मजा आता है। और आप बस देख सकते हैं खूबसूरती चेक करें इसकी। जो लोग, मैंने काफी हाई टीज वगैरह में गया हूँ, खाना वाना भी खाया वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे सिंपल ही सिंपल गोलगप्पे होते हैं, वहाँ इतना मज़ा नहीं आता खाने में। यहाँ जो बना हुआ है टेस्ट वगैरह भी इसका बहुत खूबसूरत था। अब पहले हम ये खा लें, उसके बाद हम आपसे कुछ और बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया गोलगप्पे हमने खा लिए, फीडबैक भी दे दिया। अब जो इस शॉप के, इस ठेले के ओनर है जो सुहेल भाई हैं, इनसे हम पूछते हैं कि कैसी सूरत हाल होती है, लोग कैसा फीडबैक देते हैं आपको, और आप कब से काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
सुहेल भाई कब से आप ये काम कर रहे हैं? तकरीबन ये मेरे को काम हो गया 14 साल का। 14 साल हो गए यहीं पे कर रहे हैं, कहीं और भी कर रहे थे? शॉप भी अपनी दौलतपुर मार्केट में भी दुकान दी। अच्छा ये क्या बात है, मीठा जो है ज्यादा मजेदार है और स्पाइसी में इतना मजा नहीं है? बस मीठे की एक बात अलग अलग है, मीठे के अंदर जो है काफी सारी क्वांटिटी में सामान डला हुआ है, जैसे अजीत जो है अपना आलू बुखारा होता है, इसमें इमली होती है, चीनी होती है, गुड़ होता है, और भी मसाले इसके अंदर काफी सारे ऐड होते हैं। जो मीठा हमारा बहुत बेस्ट है इस वक्त, अच्छा है। हाँ मीठे का ही ज्यादा वो और डिमांड ज्यादा होती है। उसके अलावा आप मतलब कि जॉब से ज्यादा ये आप समझते हैं ये काम ज्यादा बहुत बेटर है? बहुत बेटर है, जॉब से काम है और बेटर काम है, किसी गुलामी नहीं और गुलामी नहीं है। इंशाल्लाह आप एड्रेस वगैरह भी सही तरह बता दें, किसी ने खाना हो यहाँ पे आके। भाई कोरंगी नंबर 2.5 जो है ये अपना बल्दिया हॉस्पिटल है और राजमहल हॉल के बिल्कुल सामने कोरंगी 2.5 नंबर। मुझे दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह इससे भी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस खाने पीने की और उसके अलावा जो चल रहा होगा हमारे सिस्टम वगैरह उसके भी आपको हम लाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक कीजिएगा और एक बार ज़रूर इन भाई के पास, सुहेल भाई के पास चक्कर लगा लीजिएगा। जज़ाकअल्लाह।